मैं स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग और डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास ये स्लिट्स हैं ए बी सी डी और लास्ट पर ई। ई स्लिट के बाद एक डिटेक्टर जो है वो अटैच्ड है। डिटेक्टर के साथ एम्पलीफायर कनेक्टेड है और रिलेटिव अबंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डर मौजूद है। ठीक है जी, ए और बी स्लिट के दरमियान जो चैम्बर है उसे सैम्पल वेपराइजेशन चैम्बर कहा जाता है। इसी तरह से बी और सी के दरमियान जो चैम्बर मौजूद है उसे आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। सी और डी के दरमियान जो चैम्बर मौजूद है उसे आयन एक्सलरेशन चैम्बर कहा जाता है। और डी और ई के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसे मैस एनालाइजर कहेंगे। अच्छा, अब जो भी सैम्पल आएगा वो वेपराइजेशन चैम्बर में मौजूद हीटिंग कॉइल की मदद से हीट अप होगा। फिर उसके जो आइंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉरी, वो गुजरेंगे बी और सी के दरमियान से। वहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन जो है वो आपको नज़र आ रही है। सी और डी के दरमियान में इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं। ग्रीन कलर में जो आपको इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं वो एनोड हैं, यानी उन पर पॉजिटिव चार्ज है। और उससे अगले जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैथोड हैं, यानी दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। फर्क यह है कि पहले वाले पर कम नेगेटिव चार्ज है और अगले पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद आपको मैस एनालाइजर वाले हिस्से में मैग्नेट नज़र आ रहा होगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो दिखाया गया है। तो ये ओवरऑल जो है वो कंस्ट्रक्शन आपको पता चल गई। अब होगा क्या कि जो भी सैंपल है उसका पार्टिकल आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है कि वो गुजरेगा सबसे पहले वेपराइजेशन चैम्बर में। अब देखिए, ये वेपराइजेशन चैम्बर इस मॉलिक्यूल को अगर ये सॉलिड में है या किसी और स्टेट में है तो इसको गैस में तब्दील कर देगा, यानी वेपर्स में तब्दील कर देगा। फिर वो वेपर्स जो हैं वो गुजर रहे हैं स्लिट सी और बी और सी के दरमियान से। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो खारिज होगी, जो इसके मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देगी। अब ये आइंस जो हैं वो गुजर रहे हैं आगे, और वो उन्होंने गुजरना है उन आइंस ने स्लिट सी के दरमियान से। ठीक है जी, अब ये आयोनाइजेशन का जो अमल है ये इलेक्ट्रॉन गन की मदद से हमने किया है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये उनको आयोनाइज करके आगे भेजता जाएगा दूसरे हिस्से की तरफ। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज होने के बाद अब स्लिट सी में से गुजर रहे हैं। स्लिट सी में से गुजरने के बाद आपको पता है आगे इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो एक्सेलरेट करेंगे जो आइंस हैं उनको, और वो जो आइंस हैं अब उनको गुजारा जाएगा स्लिट डी के दरमियान से। स्लिट डी के दरमियान से गुजरने के बाद अब इन तीनों आइंस ने जो है वो मैस एनालाइजर में से गुजरना है। मैग्नेट जो है इनको डिफ्लेक्ट करेगा इनके मैस की बेस पर, और जो सबसे ज़्यादा मैस वाला है वो आगे आ जाएगा, जो उससे कम मैस वाला है उसके बाद, जो सबसे कम मैस वाला है वो उसके बाद। अब यही मैस सिस जो हैं आइंस के, ये आइंस गुजरेंगे सबसे पहले वो रिकॉर्डर पर जाएगा। कौन से वाला मैस जो सबसे ज़्यादा मैस वाला है वो सबसे पहले रिकॉर्डर पर जाएगा, जो उससे कम वाला है वो उसके बाद, और जो सबसे कम वाला है वो लास्ट पर रिकॉर्डर के पास पहुंचेगा। रिकॉर्डर क्या करेगा? रिकॉर्डर इनकी यानी जो जिस तरह से ये आइंस पहुंचेंगे उसके लिहाज से इनकी रिलेटिव अबंडेंस का जो है वो एक ग्राफ ड्रॉ कर देगा, जिसे आप मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं।